कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल और रामपथ गमन समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मोहन गुप्ता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर एक के बाद एक आरोप लगाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक वर्ग के विश्वास को के साथ धोखा किया, छला, झूठ बोला और उनको गुमराह करने का प्रयास किया है, जो करीब करीब अब जनमानस को भी अच्छी तरह से पता हो गया है। मोदी जी एक भी वचन जो उन्होंने देश के जनमानस के सामने किया था उसको पूरा नहीं किया, चाहे वो काला धन लाने का हो। काला धन के मामले में भी सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर था कि कांग्रेस पार्टी काला धन नहीं लाना चाहती क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेताओं के हाथ है, और देश की जनता के सामने कहा था कि हमें 100 दिन दीजिए, हम काला धन लाएंगे, प्रत्येक खाते में 15 लाख जाएगा, हम सूची जारी करेंगे, जिनका नाम होगा उनको जेल भेजेंगे। लेकिन इस दिशा में खो चुकी है उनकी कलाई, एक भी नाम आया सामने आया, लोग पैसे काला धन आए लेके खाते में गया, और इसी तरह से मुद्दे से हटाने के लिए उन्होंने नोटबंदी का नाटक भी इस देश में किया। नोटबंदी भी सबको मालूम है कि सामान्य जनमानस किस तरह से तबाह हुआ, एक पैसे काला धन नहीं आया और 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, इतना नोटबंदी से मिला है। और जो इनकी संस्थाएं थी उनका काला धन जो नंबर 2 का था, 1 नंबर में जरूर कर ले, इतना नोटबंदी से देश को मिला है। इस देश के नौजवानों को इसी तरह से ठगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको रोजगार की बात आई तो रोजगार देना तो दूर रहा, उनकी डिग्री के साथ अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया गया कि तो पकौड़ा बनाने का काम करना चाहिए। हमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के अंदर नजर आता था, वो उत्साह हमें इस बार नजर नहीं आ रहा। बड़ा स्पष्ट सा माहौल है, बहुत साफ है, इसमें कोई धुंध नहीं है, और विधानसभा में जो परिणाम है वो आ चुके हैं। उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार को बने 120 दिन हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और 120 दिन में 75 दिन काम करने का मौका मिला है। 75 दिन में 83 वादों के आदेश जारी करना, वचन पत्र को पूरा करना, और 47 में से 21 लाख किसानों का कर्ज माफ करना छोटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश किस हालत में मिला है आप ये देखिए, भ्रष्टाचार में 2 नंबर 1, बलात्कार में 2 नंबर 1, बेरोजगारी में 2 नंबर 1, किसान हत्या में 2 नंबर 1, और उसके बाद आप देखेंगे कि खजाना बिल्कुल खाली। मैं अपने प्रबुद्ध जीवी पत्रकार भाई से कहना चाहता हूं, अमित शाह से पहले आज सुबह AICC में कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो आपका प्रश्न था अनिल जी का कि उन्होंने अब सेना के नाम पर सुरक्षा के नाम पर मांगा है, तो हमने बहुत क्लियर किया और उसमें तारीखें बताई कि कांग्रेस के सरकार में, ये कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, आर्मी ने कब कब सर्जिकल स्ट्राइक करी उसकी तारीख बताई, उस पर कौन से अधिकारी इन्वॉल्व थे उनके नाम तक बताया।